गंगणपते नमः। जय माँ तारा। पारासर ज्योतिर्विज्ञान में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिथुन राशि के जातकों का मार्च माह का राशिफल आदेश क्या रहेगा, इस विषय पर विवेचना करने जा रहे हैं तथा मिथुन राशि के जातकों को समस्याओं से क्या निवृत्ति होनी चाहिए तथा उसके क्या उपाय हैं, इसके लिए भी वीडियो के अंत में वार्ता करेंगे। इस माह मार्च माह में सूर्य 14 मार्च को 11:45 प्रातः कुंभ जमीन लगन में संक्रमण करेंगे तथा मंगल 22 मार्च को 14:27 दोपहर को अपनी उच्चाभिला राशि धनु से मकर में विचरण करेंगे। इसी प्रकार बृहस्पति 30 मार्च सन 2020 को प्रातः 3:09 पर अपनी स्वराशि धनु से मकर में पदार्पण करेंगे तथा शुक्र 28 मार्च को दोपहर 3:32 पर मेष से अपनी स्वराशि वृषभ राशि में पदार्पित होंगे। मिथुन राशि के लग्न में उच्च के राहु स्थित रहेंगे तथा सप्तम स्थान में धनु राशि के केतु बृहस्पति तथा मंगल होंगे। माह के अंत तक बृहस्पति तथा मंगल यहां से राशि स्थानांतरित कर मकर राशि में विचरण करेंगे। अष्टम स्थान मकर राशि के शनि विचरण करेंगे तथा भाग्य स्थान में माह के प्रारंभ में सूर्य तथा बुध कुंभ राशि में विचरण करेंगे तथा माह के अंत तक जाते जाते सूर्य मीन राशि में दशम स्थान में विचरण करेंगे। शुक्र मिथुन राशि के एकादश स्थान में रहेंगे तथा माह के अंत तक द्वादश स्थान वृषभ राशि स्वय राशि में हस्तांतरित हो विचरण करेंगे। इस गणना के अनुसार मिथुन राशि के जातकों की ढैया भी प्रारंभ हो गई है, शनि अष्टम स्थान आ गए हैं, अपितु स्वराशि के शनि हैं तथा अष्टम स्थान में स्वराशि के शनि मिथुन राशि के जातकों को कम ही प्रताड़ना देते हैं, परंतु जिनकी जन्मांग तथा जन्म कुंडलियों में बुध ग्रह की स्थिति उत्तम नहीं है अथवा शनि मार्केश हैं अथवा जन्म राशि से भी शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, उन जातकों को अवश्य ही शारीरिक कष्ट की स्थितियां बन सकती हैं। पिछले कुछ समय से जोड़ों में दर्द तथा पेट की समस्या जिन मिथुन राशि के जातकों को चल रही है, उनके भी इस समस्या में कुछ निवृत्ति उन्हें प्रदान होगी। वार्ता करें मिथुन राशि के ग्रस्त जीवन साथियों के बारे में, ग्रस्त जीवन को लेकर जिस प्रकार आप चिंतित हैं उसमें परिवर्तन आएगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तथा सकारात्मक स्थितियां सामने प्रकट होंगी। जिन मिथुन राशि के जातकों की न्यायिक प्रक्रियाएं चल रही हैं अथवा विवाद की अवस्थाएं हैं, उन जातकों को भी इस माह के अंत तक आते आते विजय प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। भाग्य की स्थितियां मिथुन राशि के जातकों की पहले से सुदृढ़ होंगी। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ परिवर्तन तथा सुदृढ़ता आपको अनुभव होगी तथा मन प्रफुल्लित तथा प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं सफल होंगी। इससे अतिरिक्त मन अभिलाषा के लिए भी यात्रा तथा तीर्थ दर्शन किया जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के इस माह के प्रारंभ में व्यय अधिक होंगे तथा व्यय की स्थितियां उनको पीड़ित कर सकती हैं, मानसिक चिंता प्रदान कर सकती हैं, परंतु माह के मध्यांतर के पश्चात अंत आते आते भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। ऐश्वर्य साली लग्जरी आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं,
तथा वह भी बोझ नहीं बनेगा। हानियों से छुटकारा प्राप्त होगा, कार्यों में सफलताएं प्राप्त होंगी। मिथुन राशि के जातकों के कुटुंबों में सुमंगल सुसमाचार प्राप्त होने की भी संभावनाएं हैं। संतान पक्ष के व्यवहार तथा संतान पक्ष की क्रिया प्रणाली में सुदृढ़ परिवर्तन होंगे, परंतु मिथुन राशि के जातकों का आत्मविश्वास डामाडोल रह सकता है तथा इन स्थितियों पर विश्वास न करने की उनके पुराने समय से चलती आ रही समस्याएं कारण बन सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों का इस समय मानसिक स्थिति को सुदृढ़ रखना बड़ा आवश्यक है। यही आने वाले भविष्य की उनकी आधारशिला होगी तथा यही स्थिति उनके समस्याओं की निवृत्ति का कारण भी बनेगी। मिथुन राशि के जातकों को समस्याओं से निवृत्ति के लिए प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार को भगवान गणपति को दूर्वा तथा भगवान शंकर को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जप इस माह में 6000 की संख्या में कर लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातक यदि इस माह में हल्दी की गांठ के बने गणपति, अर्क गणपति अथवा लाल चंदन से निर्मित गणपति की स्थापना अपने घर में करें तथा उनकी नैमित्तिक पूजा उपासना करें तो निश्चय ही उन्हें जितनी भी समस्याएं उन सब से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसी मंत्र के द्वारा भगवान गणपति की उपासना करें। मिथुन राशि के जातकों को अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए जिससे उनके ऐश्वर्यशालिता बढ़ेगी तथा भौतिक सुखों में समृद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।